पुखराज एक ऐसा ऑलराउंडर रत्न जो इंसान की हर कमी को करता है पूरी। बृहस्पति से संबंधित पुखराज जो व्यक्ति को देता है अच्छी सेहत से लेकर आर्थिक लाभ, संतान और मान सम्मान। किन लोगों को पहनना चाहिए पुखराज? किन राशियों को शुभ अशुभ फल देता है पुखराज? क्या कहती है पुखराज धारण करने की विधि? कैसे करें असली पुखराज की पहचान? धर्म ज्ञान पर देखिए चमत्कारी पुखराज से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। नमस्कार, रत्न जिज्ञासा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज हम बात करेंगे रत्नों में जो ऑलराउंडर रत्न माना जाता है वो है पुखराज, यानी कि येलो सफायर। जी हाँ, आखिरकार जो येलो सफायर होता है, जो इसके सब्स्टिट्यूट है, इसकी क्या पहचान होती है, एस्ट्रोलॉजिकली पुखराज को पहनते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य महेश शर्मा जी और रत्न कारोबारी अर्पित तातीवाला जी, जिनका ये खानदानी बिजनेस है। 125 साल पुरानी इनकी ये दुकान है रत्न की। इनसे हम जानेंगे कि पुखराज कितने प्रकार के मार्केट में है, कौन सा बेस्ट है, क्या इसकी क्वालिटी है। और आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मयंक जी से, आखिर क्यों पुखराज को ऑलराउंडर कहा जाता है? क्योंकि माना जाता है अगर आपने पुखराज पहन लिया तो आपको सब कुछ मिलेगा, ऐश्वर्य, धन, दौलत, मान सम्मान, जिंदगी में जितनी भी परेशानियाँ सब दूर हो जाएंगी। लेकिन कोई भी रत्न धारण करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्या सिर्फ राशि अनुसार ही आप नग धारण कर लें, क्या ऐसा होता है? जी बिल्कुल, सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि आखिर इसके पहनने के फ़ायदे कितने हैं। देखिए, फ़ायदे इतने हैं कि अगर हम यहाँ गिनाने बैठेंगे तो हमारा घंटों लग जाएंगे, लेकिन बेसिकली कुछ ऐसे फ़ायदे बताते हैं। आमतौर पर ज़िंदगी में हर व्यक्ति की चाह रहती है कि उसकी एक अच्छी नौकरी हो, उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चले, उसके घर में संतान हो, उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहे। और अगर ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कमी आपकी कुंडली में हो रखी है, धन की प्राप्ति नहीं आ रही है, धन आ रहा है तो व्यय हो रहा है, आप अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास अच्छी गाड़ी नहीं है, अगर ये सब चीज़ों की कमी है तो कहीं ना कहीं बृहस्पति कुंडली में कमज़ोर है। क्योंकि गुरु बृहस्पति कुंडली में 5 चीज़ों का कारक माना गया है। आयु का कारक है, संतान का कारक है, बुद्धि का कारक, विद्या का कारक माना गया है और धन ऐश्वर्य का कारक माना गया है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो पुखराज रत्न धारण करें, येलो सफायर, विशेष लाभ मिलेगा। कविता, आपने देखा होगा बॉलीवुड के लोग पुखराज पहनते हैं और मीडिया लाइन के लोग पुखराज पहनते हैं, कॉरपोरेट घराने के लोगों में पुखराज पहने हुए देखा है, और कोई व्यक्ति अगर खुद के व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, उनको भी मैंने पुखराज पहने हुए देखा है। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वो कन्याएं पुखराज धारण करती हैं तो विवाह हो जाता है, जिनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही होती है अगर वो दंपत्ति पुखराज पहनते हैं तो उनकी लाइफ, मैरिड लाइफ अच्छी हो जाती है। अगर आपके घर में संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है तो पुखराज धारण करने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है और संतान सुख की वृद्धि भी होती है, धन भी आता है, शोहरत भी मिलती है और जमीन जायदाद का लाभ भी मिलता है, वाहन सुख भी मिलता है। तो आखिर क्या नहीं मिलता पुखराज धारण करने से? तो इसलिए हर दूसरा व्यक्ति आज के समय में पुखराज धारण करना चाहता है। तो बहुत से लोग आते हैं, सर मुझे को संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है, क्या मुझे पुखराज धारण कर लेना चाहिए या मेरे को धन ऐश्वर्य की कमी है? तो हम उनको कहते हैं कि ये कारक तो है धन ऐश्वर्य का, लेकिन आप साथ साथ ये देखिए कि आपकी कुंडली क्या कहती है, आपका लगन क्या कहता है, क्या बृहस्पति वहाँ नीच के तो नहीं है, या बृहस्पति अस्त हैं या कमज़ोर हैं, या बृहस्पति शुभ फल नहीं दे रहे हैं। तो उन विशेष परिस्थितियों में, विशेष लगन में आपको हम पुखराज पहनाएंगे तो आपको 4 गुना लाभ मिलेगा। और कुछ लगन ऐसे भी हैं जहाँ पुखराज धारण करने से आपको परेशानी रह सकती है, वहाँ पर कुछ और रत्न पहनाकर इन चीज़ों की वृद्धि की जा सकती है। ऐसे ही कुछ राशियाँ हैं, कुछ लगन हैं, खासकर लगन के बारे में चर्चा करूँगा। अगर आपका मेष लगन है, आपका कर्क लगन है, सिंह लगन है, आपका वृश्चिक लगन है, धनु लगन है और मीन लगन है, तो इन लगन में बृहस्पति योग कारक हो जाते हैं, आपको 4 गुना शुभ फल देंगे और लगन के मुकाबले। तो इन लगन वालों को अगर बृहस्पति की स्थिति शुभ है, बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में है, उच्च के हैं या अस्त हो गए हैं या पाप प्रभाव में है, तो आपको पुखराज जरूर धारण करना चाहिए, विशेष लाभ मिलेगा, सभी सुखों की प्राप्ति होगी। ऐसे ही वृषभ लगन
और मिथुन लगन में, कन्या लगन में विशेष परिस्थिति में पुखराज धारण किया जाना चाहिए, यानी कि हर कोई इस लगन के व्यक्ति रत्न धारण नहीं कर सकते। ऐसे मकर लगन में, क्योंकि मकर राशि में नीच के हो जाते हैं मकर लगन में, तो इन लोगों को बिल्कुल भी पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। कुंभ लगन वाले विशेष परिस्थिति में पुखराज पहन सकते हैं। तो ये कुछ लगन है, आपको कुंडली दिखाकर विश्लेषण कराकर ही रत्न धारण करना चाहिए, तभी आपको शुभ फलों की वृद्धि होती है। और जो कि पुखराज का जो संबंध होता है वो कहते हैं कि गुरुदेव से होता है, यानी कि बृहस्पति से होता है। तो ऐसे में जी मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने पुखराज पहना हुआ है, धारण किया हुआ है, तो कोई अन्य रत्न जो उसे नहीं धारण करना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि ये गुरु है बृहस्पति, जो लोग ज्ञान के क्षेत्र में होते हैं वो भी पुखराज पहनते हैं, क्योंकि ज्ञान को वृद्धि के लिए, क्योंकि ज्ञान का कारक है, ज्ञान बढ़ाएगा आपको, तो उनको भी ये फायदा देगा, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर देता है। और जैसे आपने सवाल किया कि इसके साथ कौन सा रत्न धारण नहीं करना चाहिए, देखिए पुखराज के साथ कभी भी नीलम धारण नहीं करना चाहिए, कभी गोमेद नहीं धारण करना चाहिए, ना ही इसके साथ कभी आपको हीरा धारण करना चाहिए, ये आपको अशुभ फल देना शुरू कर जाएगा। पुखराज के साथ लहसुनिया पहना जा सकता है, पुखराज के साथ मूंगा पहना जा सकता है, मोती पहनना तो विशेष लाभकारी है, क्योंकि गुरु चंद्रमा गज केसरी राजयोग बनता है, माणिक भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन पन्ना इसके साथ कभी धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा फिर वो नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। अब आइए मैं जिसे ये जान लेते हैं, क्योंकि कई बार कोई भी रत्न धारण करते वक्त हम छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, जिसके चलते हमें आगे भुगतना भी पड़ता है। तो पुखराज जो कि एक ऑलराउंडर नग माना जाता रत्न है, तो इसे इसकी धारण करने की विधि क्या है और कितने रत्ती का पहनना चाहिए? देखिए पुखराज कम से कम 6-6 रत्ती का धारण करें, बृहस्पतिवार के दिन धारण करें, सुबह नहाने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनिए आप, और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह 8-10 के बीच में बृहस्पतिवार के दिन धारण करेंगे तो विशेष लाभ आपको मिलेगा। रत्न अंगूठी को या पेंडेंट को, जिसको भी आप धारण करते हैं, गंगा जल और कच्चे दूध से स्नान कराकर ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार आप जाप करें। ये एक वैदिक मंत्र है, साधारण सा मंत्र आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मंत्र उच्चारण में गलती हो गई तो भी नुकसान होगा, तो इसलिए ओम गुरुवे नमः एक साधारण मंत्र है, वैदिक मंत्र। इस बीज मंत्र का जाप करके 108 बार अगर आप धारण करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और सभी सुखों की प्राप्ति होगी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो बातचीत करते करते समय रत्न उतार के रख देते हैं, तो देखिए ये कभी भी रत्न पहनने के बाद उतारना नहीं चाहिए, आप घुमा जरूर सकते हैं, अगर आप उतार देते हैं तो उसी दिन दोबारा अभिमंत्रित करके रत्न धारण करना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत से बता दिया था कि जो येलो सफायर यानी कि जो पुखराज होता है वो ऑलराउंडर होता है, और मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग नकली पुखराज, मतलब कोई भी नकली रत्न को उसे पुखराज बता के ग्राहक को भेज देते, जिसके बाद ग्राहक को भुगतना पड़ता है आगे। और आइए अब अर्पित जी से जान लेते हैं, जिनका खानदानी ये बिजनेस है, सालों से इसी चीज़ में है, इसी फील्ड में है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त पुखराज में कितनी वैरायटीज हैं, कौन सी कंट्री का पुखराज अच्छी क्वालिटी का माना जाता है जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है। और पुखराज में देखिए हर किसी की अपनी अपनी जेब है, कई लोग पुखराज कर लेते हैं मैनेज, लेकिन कई लोग नहीं खरीद पाते, तो उस पुखराज का सब्स्टिट्यूट भी क्या है? अर्पित जी नमस्कार। कविता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्य रूप से पुखराज के अंदर दो ही वैरायटी आती है। अगर कोई आपको आपको बताना चाह रहा है कि इससे ज़्यादा वैरायटी आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको आपकी राह से भटका रहा है। मुख्य रूप से जो सबसे बढ़िया क्वालिटी इसमें पुखराज में मानी जाती है वो सिलोनी मानी जाती है। सिलोनी एक जगह है बेसिकली श्रीलंका में, इस वजह से इसको सिलोनी पुखराज भी कहा जाता है और श्रीलंकन पुखराज भी कहा जाता है। मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा, इस तरीके का पुखराज आता है, ये लाइट येलो कलर का होता है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं आता इसमें, और उसका कारण यही होता है कि पुखराज का जो ओरिजिनल कलर है वो यही है, लाइट येलो कलर का ही आता है ये। अगर इसमें हीट किया जाए किसी भी तरीके का तो फिर वो डार्क हो जाता है, तो इस वजह से ये लाइट कलर का आता है। और इसमें जो आपके नेचुरल जो निशान आते हैं या इंक्लूजन आते हैं वो आएंगे ही, उस कारण से ही ये पता लगता है कि असली है या नकली है जी। तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है वर्ल्ड की, और ये पूरी तरह से नॉन हीटेड नॉन ट्रीटेड होती है अगर असली खरीदी जाए। दूसरा ऑप्शन जो अपने को मिलता है वो पुखराज में बैंकॉक का मिलेगा। बैंकॉक में ये फ़ायदा है देखिए कि एक तो ये थोड़ा सस्ता पड़ता है तो ग्राहक की जेब पे हल्का पड़ता है,
और दूसरी तरफ इसका कलर भी अच्छा रहता है और इसमें सफाई भी थोड़ी सी कंपैरेटिवली सिलोनी की बेटर आती है। तो आज के ज़माने में जब अपने ग्राहक की जेब भी देखनी होती है और हर तरीके से ग्राहक सोचता है, तो अपने को बैंकॉक का ऑप्शन भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आपका ग्रहों का भी सॉल्व होता है पर्पज़ और आपको क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है कम दाम में। तीसरी तरफ अगर जो ग्राहक अफोर्ड नहीं कर पा रहे पुखराज को, तो उसके लिए अपने पास ऑप्शन सुनेले का अवेलेबल रहता है। इसका उपरतन रहता है, ये इसमें चमक भी ज़्यादा आती है, सफाई भी ज़्यादा आती है। पर कहीं भी आप ये मार्केट में कंफ्यूज ना हो, मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को कि ये पुखराज करके काफ़ी जगह बेचा जाता है, तो आप उस छलावे में ना आए, अच्छी जगह से सर्टिफाइड यंत्र आपका स्टोन खरीदें और गवर्नमेंट सर्टिफाइड लैब से ही लें, सर्टिफिकेट लें। तो ये हमने अर्पित जी से जाना कि जो बेस्ट क्वालिटी होती है सिलोनी टाइप की पुखराज में, और एक सब्स्टिट्यूट है जिसे सुनेला कहा जाता है। और अर्पित जी, मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि लोगों के ना माइंड में ऐसा रहता है, ऐसी धारणा होती है भाई जो रत्न ज़्यादा चमक रहा है तो वही ओरिजिनल होगा, वही गुड क्वालिटी होगी, तो ये एक मिथ है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल मिथ है कि जो ज़्यादा चमक रहा है या ज़्यादा साफ है वो स्टोन ओरिजिनल होगा। स्टोन में चमक और जो रंग है अगर ज़्यादा आता है तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, पर ऐसा नहीं है कि हर एक चमकीली चीज़ या हर एक साफ चीज़ रत्न ओरिजिनल होगा। और यही चीज़ के कारण, इसी मिथ के कारण लोग ठगे जाते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से यही निवेदन करूँगा कि जो भी स्टोन आप खरीद रहे हैं, एक तो गवर्नमेंट सर्टिफाइड लैब से खरीदें, दूसरा कोशिश करें कि अच्छे व्यक्ति या अच्छी दुकान से उसको परचेज़ करें, ताकि आपकी ठगी ना हो, आपको भ्रमित नहीं किया जाए। आज हमने अपने दर्शकों को बताया आज के एपिसोड में रत्न जिज्ञासा में येलो सफायर यानी कि पुखराज के बारे में, जो कि ऑलराउंडर माना जाता है। सब कुछ जो आपको ज़िंदगी में चाहिए वो इसमें मिलेगा, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आपको सुनहरा यानी कि पुखराज धारण करना अगर आप भी चाहते हैं, लेकिन कुंडली अनुसार, तो कुंडली का विश्लेषण अगर आप करवाना चाहते तो मैंग जी से करवा सकते हैं, मैंग जी की सलाह ले सकते हैं, ये जान सकते हैं कि भाई आपकी कुंडली में क्या आप पुखराज धारण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर के जरिए आप मैंग शर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा? क्योंकि हमारी जो खास पेशकश है रत्न जिज्ञासा, इसमें हमारे हर एपिसोड एक पर्टिकुलर रत्न को लेकर है। कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई भी सलाह हो प्लीज़ हमें दीजिएगा। और इसी के साथ मुझे मैंग शर्मा जी को और अर्पित तातीवाला जी को, हम सबको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।